प्रेम प्रसंग के चलते हुए 19 वर्षीय युवती प्रेमी संग फरार। पिता ने सगी बहनों पर लगाया लड़की को भगाने का षड्यंत्र रचने का आरोप। शिवपुरी वीरपुर बंधा ग्वालियर की रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती प्रेम प्रसंग के चलते शिवपुरी जिले के हिम्मतपुर गांव के एक युवक के साथ घर छोड़कर भाग गई, जिसके बाद युवती के पिता ने अपनी ही दो सगी बहनों पर लड़की को भगाने में सहयोग और षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए उनके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। शिवपुरी जिले के निवासी दोनों बहन ने इसकी शिकायत बुधवार को एसपी ऑफिस में दर्ज कराई है और भाई और उसके होने वाले समथी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। सुनिए क्या कहा पीड़ित महिला ने। क्या नाम है जी आपका? फुलवती प्रजापति। कहाँ से आई हैं आप? माधव नगर शिवपुरी। अच्छा, साथ में कौन है आप? मेरी बड़ी सिस्टर है। बड़ी सिस्टर। आज दोनों एसपी ऑफिस आई है, क्या समस्या लेके आई है? भैया की लड़की चली गई है और हमको पता नहीं है, ना हमारी बात होती थी ना कछु होता था। जब लड़की गई मैं राम मंदिर थी, इसके बाद में ना भैया के समधी ने गाली दी है। उसका नाम नवल किशोर प्रजापति है, मावठे का रहने वाला है। लड़की ग्वालियर से गायब हुई है जी, हुई थी 4 तारीख में, सोमवार के दिन। उम्र कितनी हुई लड़की? 19 साल। 18-19 साल की बताते हैं उनसे। दोनों को दबाव बना रहे हैं, कह रहे तुमने ही कुछ कराया कि तुम्हारे वहाँ में से कहीं तुम्हारी छाती में गोली दंगो। और मतलब उसका समधी बोल रहा है और भैया कह रहा है कि मैं कहीं मैं लाशें बिछा दूंगा तुम्हारी की, तुम देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा इस चीज़ का। अब एक बात बताइए, हमारी कई दिनों से बात नहीं होती थी, लड़की का नंबर तक नहीं है हमारे पास, और मतलब हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है, तो बताइए अब एसपी ऑफिस में नहीं आए तो कहाँ जाए? किसके साथ गई है लड़की? लड़की नरेंद्र राजे करके एक लड़का हैगा हिम्मतगढ़ का। इसके बाद में मैं भाई के साथ गई थी, उस समय मुझे वहाँ जाके पता चला कि मतलब ये नाम का लड़का है और ये भगा के ले गए। लड़के का नरेंद्र राजे लिखता है वो। तो आपके संपर्क में है क्या पहले से? नहीं, कोई संपर्क में नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, कैसा भी पता नहीं है कि मतलब ये लड़का कौन है और लड़की किससे बात करती है। लड़की का नंबर तक नहीं है, कई सालों से तो मेरी बात भी नहीं हुई है। तो दोनों बहनों की रिपोर्ट कर रहा है। खास भाई, खास भाई मतलब दोनों पे आरोप लगा रहा है कि मतलब ऐसी ऐसी बात है और तुमने कुछ किया है और तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे भाई को पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा, ऐसा आरोप लगा रहा है। थाने पे भी क्या कहना? थाने वालों ने तो अभी कुछ नहीं बोला, फिर मैं एसपी ऑफिस आई। अब वो एसपी ऑफिस से मतलब भिजा रहे हैं वो वहाँ पे थाने में कि मतलब ऐसे तुम जाओ और तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी।